नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आसमान से आफत ने जो तबाही मचाई है हरियाणा में, उस खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुदरत के कहर ने एक बार फिर किसान को रुलाया है। कुदरत के कहर के आगे किसान बेबस नजर आया है। बारिश और ओले गिरने से फसलें तबाह हो गई है। रोहतक, हिसार, जींद, हांसी, करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है। सरसों गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने अब सरकार से मुआवजे की मांग की है। कहा है कि भारी नुकसान हुआ है, अब सरकार मुआवजे का मरहम लगाए। कल बारिश के साथ कई जिलों में जमकर ओलावृष्टि हुई थी, जिससे अगेती गेहूं की फसल को भारी नुकसान, जिसमें बालियां आ चुकी थी। इसके साथ ही सरसों की पकी हुई फसल को भी नुकसान हुआ है। कुदरत का कहर एक बार फिर देखने को मिला। पूरी धरती सफेद नजर आई। भारी ओलावृष्टि की वजह से अन्नदाता को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोहतक, हिसार, जींद, हांसी, करनाल में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली, जहां सरसों गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जो कल ये ओलावृष्टि और बरसात हुई है, इससे हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गवांड में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। 80% नुकसान की संभावना है। ये ओलावृष्टि से गेहूं कति खत्म हो चुके है। सरसों की कोई डाली नहीं खड़ी हुई है। हमारी बीजेपी सरकार से यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवाया जाए और गिरदावरी करवाई जाए। राम जी की देन से भारी ओलावृष्टि हुई गांव रानीला में भी, और चारों तरफ मेरे खेत में इतना नुकसान हो रहा है, मेरे क्या पूरे गुहांड में इतना नुकसान हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सब किसान भाइयों को, ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा दिलवाने का, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलवाने का कष्ट कर। तबाही की चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से कुदरत का कहर अन्नदाता पर टूट पड़ा। सफेद चादर यहां पर बिछी हुई नजर आई। जमीन पर ओलावृष्टि हुई थी। रोहतक, सोनीपत, हिसार, जींद की तस्वीरें हैं, जहां गेहूं की फसलों, सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सब्जियां खराब हो गई हैं, अन्नदाता परेशान है। अब उम्मीद सरकार से कि गिरदावरी करवाई जाए, मुआवजा दिया जाए। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कल जिस तरीके से बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, काफी नुकसान अन्नदाता को हुआ है, करनाल में क्या हालात है? बिल्कुल, नुकसान जरूर हुआ है। यहाँ पर सब्जियों की फसल और जो गेहूं की फसल हुई थी, हो रही थी, उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक महीना रह गया था लगभग, गेहूं की फसल तैयार थी और किसान इस बार खुश भी था कि मौसम पूरा अच्छा रहा है, सर्दी भी काफी रही है, और जिससे जो गेहूं की फसल की पैदावार है वो काफी ज्यादा होने वाली थी। लेकिन जो बारिश हुई है और उसके बाद जो ओलावृष्टि करनाल और उसके आसपास के इलाके में देखने को मिली है, उससे काफी ज्यादा नुकसान है। और ऐसे में अब गिरदावरी की मांग की जा रही है। अभी एक दिन और, या फिर इससे ज्यादा कहा जाए दो दिन, मौसम और ज्यादा खराब रह सकता है, तो इंतजार किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, वो किसानों के खेतों में भी जाएंगे और वहां का मुआयना करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या आदेश आता है कि गिरदावरी किस तरीके से करनी है और मुआवजा देना है, कितना देना है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया हिमांशु जानकारी के। तो खूब नुकसान किसानों को हुआ है बारिश के बाद जो ओलावृष्टि हुई है। करनाल जिले की अगर बात करें, यहाँ गेहूं की फसल के साथ जो सब्जियां उगाई गई थी, उन किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। फसलें काफी हद तक तबाह हो चुकी हैं। अन्य जिलों में भी इसी तरीके से तबाही इस ओलावृष्टि की वजह से हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान आया है। बीजेपी में आने के लिए नेताओं की कतारें लगी हुई हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कहा कि दूसरी पार्टियों के कई दिग्गज बीजेपी में आना चाहते हैं। देश प्रदेश में बीजेपी सभी दलों से आगे है, सभी को बीजेपी नहीं लेगी बल्कि छांट छांट कर लेगी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी पर भी जेपी दलाल निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि इस बार बजट सत्र में राजस्थान के साथ जल समझौता जो हुआ है, उसको लेकर किरण चौधरी ने कृषि मंत्री को घेरा था। इसी बात को लेकर
कृषि मंत्री ने किरण चौधरी पर तंज कसा कि वो अपने इलाके के लोगों को पानी मिलने से खुश नहीं है। लेकिन इसके साथ लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान कृषि मंत्री का कि बीजेपी में दूसरी पार्टियों के कई दिग्गज आना चाहते हैं, लंबी कतार है ऐसे नेताओं की, लेकिन हर किसी को पार्टी नहीं लेगी बल्कि छांट छांट कर लेगी। लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में एक तरफा लहर चल रही है, जनता बोल रही है कि मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और 400 पार का नारा जनता ने लगा दिया है और उसी हमारी पार्टी की तैयारी ज़बरदस्त है। पहले हमने 10 की 10 लोकसभाओं में चुनाव कार्यालय खोले, आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा 90 की 90 विधानसभाओं में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करवाया गया और पार्टियों से हम बहुत आगे हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और चुनाव के अंदर जनता के अंदर इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे आज तक के चुनावों के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। राठी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको दे दें, नफे सिंह राठी हत्याकांड में आरोपियों की पहचान हो गई है, 3 आरोपियों की पहचान हुई है, तस्वीरें पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई हैं। आरोपियों में आशीष नकुल सांगवान उर्फ दीपक सांगवान, अतुल, ये 3 नाम, ये चेहरे बताए गए, तस्वीरें जारी की गई हैं और इनका पता बताने वालों को पुलिस 1-1 लाख रुपए का इनाम देगी, यानी इन 3 आरोपियों पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। 25 फरवरी को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी पोर्टल खुला है। इस साल की इस बार की भी जो है सर, अब सर ये खडूर का सर, ये सर इसमें सर अब हम एस्कॉर्ट ऑफ भी लेकर आ रहे हैं, करीब 8 करोड़ रुपए लगे सर। ये जगह कम है, रेनोवेटेड स्कूल एंड आइडेंटिफाइड एंड लैंड अगेन अ ग्रीनफील्ड स्कूल। सर दिस इज अमृतसर सर, मॉडल टाउन पहुंचे हैं सीएम मान और अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री उनके साथ, हरजोत बैंस स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पंजाब को 13 और स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात दी गई है, इनमें तमाम बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी, आधुनिक स्कूलों से भी आगे बढ़ने की कोशिश में ये बड़ा फैसला, 13 और स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात पंजाब को दी गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। लुधियाना से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी सौगात पंजाब को दी गई है, स्कूल ऑफ एमिनेंस 13 नए स्कूल जिनका उद्घाटन किया गया है, 13 स्कूल है जिनमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी, आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस स्विमिंग पूल वाला पहला सरकारी स्कूल होगा, आधुनिक जो सुविधाएं होती हैं उनसे लैस ये सरकारी स्कूल होंगे। पंजाब को कह सकते हैं कि बड़ी सौगात दी गई है, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मौके पर मौजूद रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस उनके साथ नजर आ रहे हैं। लुधियाना से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया, उसके बाद फोटो गैलरी में वो सुविधाएं, वो स्कूल बताए जा रहे हैं जिनके जरिए अब यहाँ शिक्षा की तस्वीर, शिक्षा के जो ढांचा है उसकी तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। खुद शिक्षा मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे, अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे पंजाब को बड़ी सौगात देने, 13 और स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात प्रदेश को दी गई है। सीधी तस्वीरें आपको लुधियाना से दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल उनके साथ हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, यहां पर बड़ी सौगात आप कह सकते हैं सूबे को दी गई है। स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन, 13 ऐसे नए और स्कूल जिनकी सौगात पंजाब को दी गई है। Yeah.
तो लुधियाना से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल ऑफ एम्बुलेंस का उद्घाटन यहां पर किया है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। भले इस मसले पर सियासत, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना कि बड़ी सौगात दी गई है। ऐसा पहला सरकारी स्कूल पंजाब का जिसमें स्विमिंग पूल की सुविधा भी है, तमाम अन्य सुविधाओं से तो लैस है ही ये सरकारी स्कूल, लेकिन ये पंजाब का ऐसा पहला सरकारी स्कूल भी है जहां पर स्विमिंग पूल की सुविधा भी हो। स्कूल ऑफ एम्बुलेंस का उद्घाटन, बड़ी सौगात लुधियाना में, पंजाब को 13 स्कूल ऑफ एम्बुलेंस की सौगात, तो लुधियाना को भी स्कूल ऑफ एम्बुलेंस की सौगात मिली है। उद्घाटन किया पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने। लुधियाना से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एक बड़ी सौगात दी है। लुधियाना में स्कूल ऑफ एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लुधियाना में स्कूल ऑफ एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का यह ऐसा पहला सरकारी स्कूल जिसमें स्विमिंग पूल की सुविधा होगी, अन्य तमाम आधुनिक सुविधाओं से यह स्कूल लैस होगा। और अब छात्र छात्राओं से रूबरू होते हुए प्लस वन कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। कितने बच्चे हैं क्लास में? सर 26। 26 बच्चे हैं। तो अभी इसी साल से क्लास शुरू हुई है, पिछले साल से हो गई? इसी साल से। ओके, सो अभी एक साल ट्वेल्थ और होगा। तो कैसे लगे स्कूल? बढ़िया। अच्छा, पहले कितने था? पहले स्कूल जो था सर वो एक प्राइवेट स्कूल था सर। प्राइवेट कौन? सरकारी जगह। कितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे पहले? और गवर्नमेंट में कौन कौन पढ़ता था? कौन से वाले गवर्नमेंट में पढ़ते थे? गवर्नमेंट जमालपुर। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा? ये ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा। तो आप जो प्राइवेट में पढ़ते थे उन्होंने माँ पे की क्या? अभी तो सरकारी जाना है, तुसी माँ पे उन्होंने क्या किया? ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਫਿਰ? ਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੌਨ ਸਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ? ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? ये उससे प्राइवेट, सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा है ना? वहाँ तो स्विमिंग पूल भी नहीं होगा, लॉन टेनिस भी नहीं होगा। यहाँ जो फैसिलिटीज है वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है, पूरे पंजाब में बेस्ट स्कूल। बेस्ट स्टूडेंट्स। क्या बनोगे बड़े होके? आप क्या बनोगे? डॉक्टर। आप क्या बनोगे? सारे डॉक्टर ही बने। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। मैकेनिकल इंजीनियर। वेरी गुड, गुड लक। तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे। स्कूल के बच्चों से रूबरू होते हुए पूछा कि क्या तमाम सुविधाएं उनको मिल पा रही हैं। यहां पर गदगद नजर आए स्कूली छात्र भी, क्योंकि लुधियाना में स्कूल ऑफ एम्बुलेंस का उद्घाटन थोड़ी देर पहले किया गया जहां पर तमाम सुविधाओं के साथ ही स्विमिंग पूल भी होगा। शिक्षा के स्वरूप को बदलने की कोशिश, ये बड़ी पहल पंजाब सरकार की आप कह सकते हैं। लुधियाना से सीधी तस्वीरें जहां आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस नजर आ रहे हैं। लुधियाना को स्कूल ऑफ एम्बुलेंस की सौगात दी है। 13 ऐसे स्कूल जिनको पूरे प्रदेश में सौगात के रूप में आज एक बड़ी सौगात कह सकते हैं प्रदेश के लोगों को दी गई है। और इस बार कितनी सीट है? 18,000 सीट के लिए। कौन सी लैब है ये?
फिजिक्स कौन सी क्लास में आप लोग? प्लस वन। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो दिखाओ? सर ये जो है हमें करंट के फ्लो के बारे में बताता है, जैसे कि ये करंट बताएगा, ये वोल्टेज बताएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है इधर करंट भी बढ़ रहा है, ये इसका ग्राफ है, करंट कितना कितनी वोल्टेज में बढ़ रहा है। यहाँ से पहले कहाँ पढ़ते थे? प्राइवेट। अच्छा, वहाँ था? हाँ प्राइवेट में। तो फीस भी बहुत होगी उसकी? तो पेरेंट्स ने क्या कहा? तो मैंने एम्बुलेंस का पेपर दिया था फिर, तो एम्बुलेंस क्लियर हुआ और ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमें लैब माता पिता देख के भी गए थे स्कूल मतलब? हाँ जी, पहले आई थी यहाँ पे। यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी। ऐसा स्कूल बिल्कुल भी आना है पूरे पंजाब में नहीं है। क्या बनोगे बड़े? डॉक्टर। प्राइवेट जो कौन कौन आए थे? प्राइवेट तीन प्राइवेट, तीन गवर्नमेंट से। आप गवर्नमेंट से? अच्छा लग रहा है स्कूल? क्या गवर्नमेंट जो आने वाले? सर मेरा नाम तरनवीर है। मैं पहले जेडे स्कूल से गवर्नमेंट से सीखा, उतने कोई भी प्रैक्टिकल चीज करनी सी, कोई लैब नहीं सी। तो हूँ इस स्कूल चाहे इतने लैब्स है, इतने प्लेग्राउंड है, हूँ मैं आज तक किसी भी प्रैक्टिकल से पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने टीचर से मोटिवेट किया कि पार्टिसिपेट लै तो कोशिश कर। मैं फिर मॉडल बनाया, अपना हाइड्रोलिक मॉडल बनाया जिसे काम करता है, जो काम ज्यादा सुनता है जो शिपिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे ने ज्यादातर होने, अजकल कास्ट जी हाइड्रोलिक ब्रेक चीज होंगी उनके भी ये काम आता। तो हूँ जिमें मैं इतने हाइड्रोलिक लिफ्ट पिस्टन यूज होंगे, मैं उन्होंने जगह इंजैक्शन यूज कर ले, तो जो मिनरल ऑयल सिंथेटिक ऑयल यूज करता है फ्यूल जगह, मैं उस जगह पानी यूज कर। तो जो मैं इतने प्रैशर पाऊंगा तो जो मेरा लोड है वो थले में चलूंगा, जो मैं प्रैशर दोबारा पूछूंगा तो जो मेरा लोड उत्ते में चलूंगा उसके नाल वो वापस। क्या करते हैं आपके? मेरे मदर फादर दोनों टीचर्स हैं। कहाँ पे? मेरे फादर का इंस्टीट्यूट है, तो मेरी मदर प्राइवेट स्कूल के बीच की प्राइवेट में पढ़ाती है अपने बच्चे को, सरकारी में बड़ी बात उल्टा होता है, सरकारी में पढ़ाता है पेरेंट्स प्राइवेट में। गुड लक। थैंक यू सर।